नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान और चीन को दी गई चेतावनी का असर अब पाक की घंटी बजाकर ही मानेगा। आपको याद होगा कि 3 दिन पहले ही अमेरिका ने उसके देश में मौजूद पाकिस्तानी और चीनी नागरिकों को वापस लेने की चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद ही पाकिस्तान हरकत में आया। अमेरिका में 22,000 पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रह रहे हैं। इसके समेत पूरी दुनिया में ऐसे 33,000 टोपीबाज फैले हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें 56% का लगभग वायरस इन्फेक्टेड बताए जाते हैं। अब एक बड़ी तादाद में संक्रमित पाकिस्तानी स्वदेश में आने जा रहे हैं, जो यकीनन पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। इससे पहले तक इमरान खान इन्हें वापस लाने को लेकर हीलावाली करते रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान को डर था कि इतनी बड़ी तादाद में संक्रमित लोगों के मुल्क में आ जाने से पाकिस्तान की हालत बदतर हो सकती है। इसी के मद्देनजर वह अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाकर बचाव के तरीके आजमाता रहा है, मगर इस वक्त हालात बदल चुके हैं और पाकिस्तान की बर्बादी की गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने बुधवार से कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न देशों में फंसे हजारों पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए अपनी उड़ानों का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। पीआईए ने पहले ही सरकार द्वारा विशेष अनुमति के तहत अपने अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल चार्टर्ड और कार्गो उड़ानों को आंशिक रूप से बहाल कर दिया था। अब दूसरा चरण शुरू करके वो विभिन्न देशों में फंसे हजारों पाकिस्तानियों को स्वदेश वापस लाएगा। बताया जाता है कि पाकिस्तान द्वारा अपने नागरिकों को वापस लाने पर उसके सामने सबसे बड़ी मुसीबत आ सकती है। पाकिस्तान में पहले से ही यह वायरस अपना कहर बरपा रहा है। पंजाब और सिंध में हालात कहीं बदतर है। पंजाब में संक्रमितों का आंकड़ा 3,000 से ऊपर हो चुका है, जबकि सिंध में 1518 संक्रमित मरीज मिले हैं। पूरे पाकिस्तान में वायरस इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 6,000 को पार कर गई है। 100 से ज्यादा जिहादी हुरों की खोज में भाग गए हैं। अब बड़ी संख्या में विदेशों से आने वाले पाकिस्तानी संक्रमण का प्रसार कर सकते हैं। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा रिहा किए गए 376 पाकिस्तानी कैदियों को मंगलवार रात 2 विशेष उड़ानों के माध्यम से पाकिस्तान भेजा गया है, जिनमें 110 से अधिक संक्रमित बताए जाते हैं। बैंकॉक से 217 पाकिस्तानी और दुबई से 190 पाकिस्तानी भी मंगलवार रात स्वदेश पहुंचे हैं। इनमें से ज्यादातर को कोरोना की बीमारी है। पाकिस्तान ने देर रात इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे लोगों को होटलों में स्थानांतरित कर दिया है, पर मामला यहां तक नहीं है। पाकिस्तान ने इस हालत से बचने के लिए हथकंडे तो बहुत अपनाए थे, मगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव के आगे उसके सारे पैंतरे नाकाम हो गए। बड़ी बात यह है कि अपने मुल्क में संक्रमित लोगों के आंकड़ों में पाकिस्तान इन लोगों की तादाद अलग करके दिखा रहा है। केवल इतना ही नहीं, वहां सामुदायिक संक्रमण फैल चुका है, पर इमरान उसको स्वीकार करने से हिचकिचा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी भारत की देखा था कि 14 दिन के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया है, मगर पाकिस्तान में मची भूखमरी और राशन की गाड़ियों की लूटपाट से उसकी मुश्किल और बढ़ गई है। विदेशों से लौट रहे पाकिस्तानी उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं है कि वह उनका खर्च उठा सके, मगर दुनिया को दिखाने के लिए उसे डींगे मारनी जरूर पड़ रही है। पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन और भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्रयासों के बाद भी वह संक्रमण को नहीं रोक सका है। पाकिस्तान में कुल जांच के बाद 20% लोग संक्रमित मिले हैं, जो दुनिया में सबसे घना औसत है। दुनिया इसी आंकड़े से अनुमान लगा रही है कि पाकिस्तान भी चीन की तरह हेराफेरी को अंजाम दे रहा है। उसने अभी तक अपने देश में संक्रमितों की जो तादाद बताई है, वह किसी भी दृष्टिकोण से मेल नहीं खाती है। ऐसे में 33,000 लोगों के पाकिस्तान लौट आने पर यहां आंकड़ों में क्या फेरबदल होता है, यह जरूर देखने वाली बात होगी। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।